अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मेरे चैनल में आपका स्वागत है, टेस्टी फूड सोनी में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, सभी तो घर पर बनाते हैं बिरयानी, मैं अब आपके लिए चिकन बिरयानी का रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप आसान तरीके से किस तरह से घर पर बना लेंगे, मैं इसका रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएंगे और इसे घर पर आसानी से बना लेंगे। अब इसे बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए। मैं 1 किलो चिकन में 1 किलो चावल डालकर इसे बना लूँगी। आप भी इस तरह से बनाएंगे तो आपका भी आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। चलते हैं चिकन बिरयानी बनाने का प्रोसेस में, मैं आपको दिखाती हूँ। यह देखिए, यहाँ 1 किलो चिकन ली हूँ। इसे मैं हल्दी और नमक से डालकर इसे साफ़ कर चुकी हूँ। इसे डालने पर इसका स्मेल बिल्कुल अच्छा हो जाता है। इसे मैं साफ करके ली हूँ। और 1 किलो चावल ली हूँ, इसे मैं पानी में डालकर सोक कर लूँगी आधे घंटे के लिए। और कुछ मसाले ली हूँ, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है बड़ा चम्मच में, इसमें 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ। कुछ मसाले ऐड करूँगी, स्पाइसेस चिली पाउडर है, जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर, नमक, थोड़ा सा चीनी है और शाहजीरा तेजपत्ता। इसमें मीठा अतर ऐड करूँगी। इसमें अतर ऐड करने पर इसका स्मेल बहुत अच्छा आता है। 2 से 3 चम्मच दही ली हूँ और नींबू का जूस ली हूँ, 2 नींबू का जूस ली हूँ। और इस तरह से 3 बड़े साइज का प्याज को कट करके मैं ली हूँ। इस तरह स्लाइसेस कर चुकी हूँ, क्योंकि इस तरह से मसालने पर ये खुल जाता है, बिल्कुल भी अलग अलग हो जाएगा। इस तरह से इसे फ्राई कर लेंगे अनियन को। अब मैं ली हूँ कुछ पुदीना, फ्रेश पुदीना है, ये कुछ गरम मसाला है। अब मैं रोस्ट को मैरिनेट कर लेती हूँ। रोस्ट में अब मैं डालूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, और ये स्पाइसेस मसाले इसे भी डाल लेंगे, और तेज पत्ता को हटा लेंगे, और ये शाहजीरा इसे भी डाल लेंगे, दही ये भी डाल लेंगे, इसे भी इस तरह मिलाएंगे डालकर। और गरम मसाला इसे भी 2 चम्मच मैं ली हूँ, इसे भी डाल लेंगे। नींबू का जूस ये भी ऐड कर लेंगे। वही इतर जो है उसे थोड़ा सा 3 से 4 टॉप इसमें ऐड कर इसे मिला लेंगे। इस तरह से इसे मैरिनेट कर आधे घंटे के लिए फ्रिज पर रख लेंगे। इस तरह से मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख लूँगा और मेरा चावल को धोकर इसे आधे घंटे के लिए सोक कर लूँगा। इसे अब आधे घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख लूँगी। इसे धोकर साफ करके इसे पानी में भिगा चुकी हूँ, इसे भी आधा घंटे के लिए सोक कर लेंगे। अब चलते हैं, इसके आधे घंटे के बाद हम प्याज को फ्राई करेंगे और चिकन को गैस पर रख लेंगे। आधे घंटे हो चुके हैं, ये फ्राई पैन पर तेल में गरम करने रख चुके हूँ प्याज हमारा फ्राई करने के लिए। और एक पर मोटे तले का नॉन स्टिक का कढ़ाई ली हूँ, अब मैं उसमें चिकन पका लेंगे। अब मैं इसमें प्याज डाल लेती हूँ, थोड़ा सा प्याज रख लेंगे चिकन फ्राई करने के लिए। इसे मसल कर इसे थोड़ा अलग अलग कर लेंगे। इस तरह से फ्राई करने के लिए वेलकम सारे प्याज को डाल लेंगे। प्याज हमारा जब तक लाल हो गई है, फ्राई हो गई है, तब तक हम कढ़ाई में डाल लेंगे तेल। 3 से 4 चम्मच तेल है, इसमें डाल लेंगे। और उसमें एक खड़े गरम मसाले हैं, ये 2 तेज़पत्ता है, दालचीनी का टुकड़ा 2 टुकड़ा है, और 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, एक फूल चक्रफूल एक है, और ये लौंग है 4 से 5,
काली मिर्च है 4 से 5 और साजीरा, इसे भी डाल लूँगी तेल पर। तेल हमारा गर्म हो चुका है, मैं डाल लेती हूँ। अब मैं इसमें डाल लूँगी, अब इसे थोड़ा हिला लेते हैं, थोड़ा चटक चुका है, देखिए इस तरह से चटक चुका है थोड़ा। अब मैं इसमें डाल लूँगी प्याज, ठंडा थोड़ा सुनहरा होने दीजिए, इस तरह से इसे सुनहरा हो जाने पर हमारा जो घर में किया हुआ चिकन है उसे डालकर इसमें पकने के लिए रख लेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, बहुत अच्छे तरह से फ्राई होकर तैयार होगा। इस तरह से पकने पर सब अलग अलग हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से फ्राई होकर गोल्डन फ्राई होने कर लेंगे। प्याज हमारा गोल्डन प्याज हो रहा है, सुनहरा हो जाने पर मैं मैरिनेट किया हुआ चिकन भी ऐड कर लूँगी। अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है, मैं इसे ऐड कर लूँगी। इस तरह से पलट कर लिए पर इसमें करने के लिए रख लेंगे। और इसे ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर कुक करने के लिए रख लेंगे। और तब तक हमारा प्याज भी फ्राई होने सुनहरा होने आ रहा है, देख लेते हैं आस्ते आस्ते आहिस्ता आहिस्ता से ये सुनहरा होने लगेगा। गोल्डन प्याज बनने तक इसे कर लेंगे। ये देखिए प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे और इसे ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये जल जाएगा, ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसका टेस्ट पूरा बिगड़ जाएगा। अब इसे निकाल लेते हैं, इसे साइड में थोड़ा इस तरह से करने पर तेल हमारा थोड़ा निकल आएगा, इस तरह से करके इसे निकाल लेंगे। सारे प्याज को निकाल लेंगे, साइड में रख लेंगे। जब तक हमारा चिकन पक रही है एक भगोने में पानी बॉईल होने के लिए रख लेंगे, हाई फ्लेम कर लेंगे और इसे नमक ऐड करेंगे। नमक थोड़ा ज़्यादा डलता है इसमें, 2 से 3 चम्मच में ज़्यादा ली हूँ। थोड़ा पानी में ज़्यादा नमक रहने पर हमारा राइस में थोड़ा अच्छे से नमक कोट हो जाएगा। एक कपड़ा ली हूँ, इस पर मैं डाल ली हूँ सौंफ, इसे बांध कर इसे डाल लूँगी इस पानी में। इसे अब बॉयल होने देते हैं, अब देख लेते हैं चिकन हमारा किस तरह से बन रही है। थोड़ा पलट लेते हैं इसे, इस तरह से थोड़ा पलट लेंगे और थोड़ा इसे कुक होने देंगे ढककर इसे। अभी 10 मिनट हो चुका है और 10 से 15 मिनट इसे कुक करने देते हैं, कुक होने देते हैं। इसे ढककर इसे पकाएंगे 10 से 15 मिनट और भी पका लेंगे। तब चिकन हमारा पक रही है, पानी बॉईल हो रहा है, ये फ्राई किया हुआ अनियन में और कुछ मसाले ऐड करेंगे, सूखे मसाले स्पाइसेस। मैं डाल लूँगी इसमें गुलकंद, गुलाब की पंखड़ियों से बनती है। अब मैं डाल लूँगी इसमें मसाले, बॉयल पानी पर मैं डाल लूँगी काली मिर्च, थोड़ा सा डाल लूँगा। अब मसाले में गुलकंद में डाल चुकी हूँ, अब डाल लेती हूँ बिरयानी मसाला, ये ओमलेट बिरयानी मसाला है, इसे भी डाल लूँगी। 3 से 4 चम्मच बिरयानी मसाला ली हूँ, थोड़ा सा चीनी ली हूँ,
इसे भी डाल लेंगे और इसे मसलते हुए मिला लेंगे। फ्राइड अनियन पर इसमें मसाला कोट हो जाएगा, इस तरह से इसे मिला लेंगे। मिलाकर इस पर इसे रखते हैं साइड पर। देखिए इस तरह से बनकर तैयार है, अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे रख लेती हूँ साइड पर। हमारा चिकन किस तरह से पक रहा है इसे अब देख लेते हैं। 5 मिनट हो चुका है और थोड़ा इसे पकने देते हैं। अब इसमें मैं डाल लेती हूँ थोड़ा पुदीना, इसे डालकर मिला लेंगे। इस तरह से और थोड़ी देर इसे पकने देते हैं ढककर। पानी हमारा जब तक बॉयल हो रहा है, चिकन हमारा पक रहा है, तब तक हम चावल को सोखने देते हैं। उसके बाद इसमें चावल ऐड करेंगे। देख लेते हैं 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन पककर तैयार है। इसमें थोड़ा ग्रेवी रहना चाहिए क्योंकि ये चावल में भी थोड़ा पककर तैयार हो जाएगा। अब इस स्टेज पर मैं गैस करती हूँ बंद। पानी भी हमारा बॉयल हो चुका है, ये देखिए इसमें बॉयल आ गया है। अब इसमें डाल लेती हूँ सूख किया हुआ चावल। इस तरह से छान कर इसमें डाल लेंगे। इसे 80% कुक होने देते हैं। 80% कुक होने पर इसे छान लेंगे। उसके बाद उसे दम में लगाएंगे। चावलों को इस तरह से छान कर डाल लेंगे। इसे मिलाते हुए इस तरह से अब ढक लेंगे। चावल हमारा पकने देते हैं इसे। जब तक चावल हमारा पक रहे हैं, आधी कप दूध में ये फूड कलर ऐड कर चुकी हूँ, रेड फूड कलर। इसे ऐड करके इसे सोक करके रख रही हूँ साइड पर। जब चावल हमारा दम में लगेगा तब इसे डाल लूँगी। अब देख लेते हैं चावल हमारा किस तरह से बनकर तैयार हुई है। अब देखिए अब 80% कुक हो चुका है। इस तरह से दबाने पर ये टूट रहा है, तो इसका मतलब ये 80% कुक हो चुका है। अब इसे छान लेते हैं, इसे निकाल लेते हैं। ये जो पोटली है, शॉप की पोटली, इसे भी हटा लेंगे और इसे छान लेंगे। गैस कर लेते हैं अपन। अब इसे छान लेते हैं, स्टेनर से छान लेते हैं इसे। इस तरह से सारे चावलों को छान कर तैयार कर लेंगे। आप भी इस तरह से बनाना, कोई मुश्किल नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो कीजिए और आप भी आसान तरीके से इसे घर पर बना लेंगे। बनाकर बोलना किस तरह से बनकर तैयार हुई है आपकी बिरयानी। चिकन बिरयानी बहुत जल्दी बन जाती है। अब इस तरह से मैं छान लूँगी। चावल हमारा छान कर तैयार है सेम भोगने में। इसका तले पे थोड़ा चावल ली हूँ क्योंकि इसका चिकन डालने पर चिकन पर कोई आँच ना आए, इसलिए मैं थोड़ा तले पर रख रही हूँ चावल। और मैं इसमें डाल लूँगी सारे चिकन को। सारे चिकन इसमें डाल लेंगे और इस तरह से कर लेंगे इसे। और इसमें ये जो मसाला है, फ्राई किया हुआ मसाला, प्याज का मसाला ऐड की हूँ। ये मसाला थोड़ा ऐड करेंगे इसमें और थोड़ा पुदीना, इसे भी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल लूँगी थोड़ा चावल।
इस तरह से थोड़ा पुदीना भी डाल लेंगे और थोड़ा चावल डालेंगे इसमें। इस तरह से लेयर लगा लेंगे दो से तीन तक। चिकन हमारा सबसे तले पे है क्योंकि मसाला सोख करके बहुत टेस्टी बन जाएगी। इसमें मैं डाल लूँगी सारे चावल डाल लेंगे। इसको डाल लेंगे मसाले वाला प्याज। इस तरह से डाल लेंगे और पुदीना भी डाल लेंगे। और थोड़ा काजू और किशमिश है इसे भी डाल लेंगे। और मैं डाल लूँगी प्याज फ्राई किया हुआ तेल है उसमें भी, और थोड़ा तेल में ऐड कर चुकी हूँ इसे मैं डाल लूँगी। ये 100 ग्राम तेल है इसे मैं ऐड कर रही हूँ। और ये डाबर का केवड़ा पानी है इसे भी दो से तीन चम्मच में डाल लूँगी। से डालकर तैयार कर चुकी हूँ। अब मैं डालूंगी ये दूध वाला फ्रूट कलर, इस पे अपने एक न्यूज पेपर रखकर इसे दम लगा लूंगी। मिला ये न्यूज पेपर लगा इस तरह से, एक न्यूज पेपर एक दो पेज का न्यूज पेपर है इसे रखकर इसे ढकने पर इसका ज्यादा से इसका में आ जाएगा। इसमें डालकर इसे इस तरह से मोड़ लेंगे और इसके ऊपर एक पॉट पर पानी रख दिए हूँ। कोई वजनदार चीज़ इसमें रखने पर इसका दम अच्छा आता है। अब मैं गैस में रख लेती हूँ एक तवा। मैं गैस पर रख चुकी हूँ एक तवा। एक तवा पर इसे इस बिरयानी को रख लेंगे। अब इसे हाई फ्लेम पर 5 मिनट कुक करेंगे और इसे मीडियम हाई फ्लेम पर इसे 20 से 25 मिनट पकने देते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनकर तैयार हुई है हमारी बिरयानी। बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। आप भी घर पर ट्राई करना। आप देख लेते हैं 20 से 25 मिनट हो चुका है। मैं अब इसे देख लेती हूँ बिरयानी हमारा किस तरह से दम में स्टीम हो रहा है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है। अब इसे पलट लेते हैं। ये जो ऊपर का चावल है ना, पलट लेने पर इस ऊपर का जो चावल है वो नीचे तरफ चला जाएगा तो वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। इस तरह से इसे पलट लेंगे। इस तरह से बिरयानी को पलट लेंगे। इस तरह से ये पलट लिए हुए इसे। अब इसे ढक कर और 5 से 7 मिनट इसे कुक करने देते हैं। अब उसे बाद में मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनकर तैयार हुई है। बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हुई है। या तो आधे घंटे या 45 मिनट पर इसे बनकर तैयार हो जाती है चिकन बिरयानी। इसे मैरिनेट कर आप पहले से रख लेंगे तो बहुत जल्दी आपका बनकर तैयार होगी। कोई गेस्ट आए या आप घर पर बनाएं, जिस तरह से बनाना चाहें आप उस तरह से बनाकर खा सकते हैं। मैं अब दिखाती हूँ आप 5 से 7 मिनट बाद आपको। आप देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, इसमें अच्छी तरह से स्टीम आ चुकी है। क्या गैस में बंद कर लेती हूँ। अब इसे बिरयानी में परोस लेती हूँ। मैं बिरयानी परोस लेती हूँ।
इस तरह से प्लेट पर इसे निकालूंगी। आप भी इस तरह से घर पर बनाना, बहुत आसान तरीके से बन जाएगी। चिकन मसाला बना है, मस्त चिकन बना है। देख उसको, देखा खोल के देखा, हाथ में देखा, देखिए इसके अंदर में मसाला अंदर में पूरा सोक कर चुका है। ये देखिए इस तरह से बनकर तैयार हुई है। बिरयानी परोस कर दे चुकी हूँ, मेरे बेटे का दोस्त आए हुए हैं, मैं वहाँ पर चलती हूँ आपको लेकर। किस तरह से बिरयानी बनकर तैयार हुई है उन लोग आपको बताएंगे। मैं बोला था एक दिन के लिए आऊंगा। देवाशीष, बिरयानी किस तरह बना है? बिरयानी मस्त बना है आंटी जी, खा के देखो ना, मतलब दिख रहा है इतना टेस्टी, मतलब खा के देखो। परफेक्ट बना है बाबा, मस्त है। बताओ कुछ बता, चिकन बिरयानी का मस्त है। बशरत जबरदस्त ना, बोल बोल कुछ कुछ बोल, पापा तो खाए नहीं ना, तू कुछ बोल बशरत। चिकन बिरयानी है परफेक्ट है। हाँ, दही सलाद के साथ कैसा लगता है? अच्छा चलो, इतना मेहनत करके बनाई थी तो अच्छा ही हुआ। बिरयानी खा कर बताओ कैसा कैसा बना है। जैनब बोल तो किस तरह बनी है? बहुत ही टेस्टी, आप भी अपने घर पर जरूर बनाइए। अच्छी तरह से बनकर तैयार होगी ना, तुम भी कुछ बोलो। बहुत अच्छा बनी है, चिकन मस्त चिकन मसालेदार चिकन ना। चलो चिकन बिरयानी खाइए, मेरे जैसा होटल होटल है। सभी को चिकन बिरयानी बहुत पसंद आया। हाँ, बहुत मजेदार बनाती है, इसलिए खा खा के मेरे से हो गया। आई होप मेरे वीडियो आपके अच्छी लगी होगी, आप भी इस तरह से बिरयानी बना लेना और मेरे वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज, मिलती हूँ अगले वीडियो पर, बाय।